आए इसलिए हैं जी। हेलो, आपको हृदय से नमन है जी। मैं पहली बार बोल रही हूँ तो थोड़ी घबराहट होती है, तो कोई बात नहीं। तो आपको राधे कृष्णा और सबको जो उपस्थित है सबको मेरा प्रणाम। मेरा तीन प्रश्न है, उसमें से दो मेरे पति की तरफ से हैं, अगर आप इजाजत दे तो। बोलिए बोलिए। हाँ, तो पहला प्रश्न मेरे पति का है कि वो जानना चाहते कि वो जितने भी ईश्वर के अवतार हुए और जो भी साधु संत ऋषि मुनि सब जो भी हुए वो सब भारत भूमि हो, क्योंकि ईश्वर ने तो सारी पृथ्वी ईश्वर ने ही बनाई है, सारी भूमि सब उसकी है, तो वो सिर्फ भारत भूमि क्यों, उसकी क्या इतनी क्या विशेषता है कि सब वही हुए? क्योंकि पूरी दुनिया एक टाइम पर भारत ही थी, ये तो सब बाद में बटता चला गया। इस धरती पर जहां आपका पांव जम जाए वो भारत की भूमि, कोई ये लंदन वंदन नहीं, केवल भारत, अखंड भारत। जब उस समय के भारत को देखेंगे, राम जी के भारत को, तो पूरा अखंड भारत, पूरब से पश्चिम जहां पृथ्वी है सब भारत है। बाद में जैसे पाकिस्तान हो गया, बाद में जैसे बांग्लादेश हो गया, बाद में जैसे नेपाल हो गया, है ना, बाद में जैसे तिब्बत अलग हो गया, ऐसे अफगानिस्तान अलग हो गया, ऐसे उसके पहले भी ये सब बंटवारा होता चला गया, बाकी सब कुछ भारत था। और भारत की भूमि, इस सारी भूमि में देखो केसर सब जगह नहीं हो सकती, केसर के लिए वो अनुकूल वातावरण चाहिए, उसी प्रकार भगवान और भक्त सब जगह नहीं हो सकते, अनुकूल वातावरण चाहिए। जहां भक्त होंगे वहां भगवान, और जहां भगवान वहां भक्त, तो वो अनुकूलता भारत ज्यादा अच्छी लगी तो भगवान भारत में प्रकट हुए। थैंक यू। दूसरा प्रश्न है कि जैसे वो छोटे छोटे जीव होते हैं, मच्छर होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो जो करोड़े होते हैं, वो जो जाला बुनते हैं, वो हमें पता है कि हमें उन्हें मारना नहीं चाहिए, फिर भी कुछ ऐसा होता है कि हमें वो दवाई करनी पड़ती है और मारना पड़ता है, तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम पता है कि अच्छा नहीं है उसको मारना। कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए कि ना मारना पड़े। हाँ। भाई मकड़ी वकड़ी जाल, तो देखो जाल हटा दो, मकड़ी को छोड़ दो, मकड़ी को किनारा पकड़ा दो, वो अपना चली जाएगी, उससे मारने की जरूरत नहीं है। जाल कह दी दिक्कत है तो हटाओ, जरूरी नहीं है कि आप किसी की हत्या करें, बचो, इस पाप से बचना चाहिए। जी हाँ। और तीसरा है वो कि हम इंसान है, क्योंकि हम संपूर्ण तो नहीं है, हमसे कभी ना कभी गलती हो जाती है, कभी पाप हो जाता, तो उससे हम अपने आप कैसे मुक्त हो सके? यदि पाप हो गया तो कोई बात नहीं, भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आ गया, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहिं, जन्म कोटि अघ नासहिं तबहिं, कितना भी बड़ा पापी हो यदि मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसे क्षमा कर देता हूँ। भगवान की शरण में रही, आज अभी मैंने क्या बताया, भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु हम आपके, और भाव बनाओ कि हम उनके हैं, तो अपने आप सारे पाप खत्म, और फिर मत करना पाप। हाँ, धन्यवाद, खुश रहिए।